जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एससीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कंपनी के बारे में। हाल के दिनों में इसका राइट इशू ओपन होते हुए दिखा है, तो इस वीडियो में इसके राइट इशू का संपूर्ण डिटेल हम लोग जानेंगे कि राइट इशू क्या होता है, कब से ओपन हो रहा है, कितना इशू साइज रखा गया है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ों को इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में इन दिनों आप देखेंगे तो डिविडेंड बायबैक राइट इशू का सीजन चल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले हर इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए साइट उसका संपूर्ण डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे बीएससी की वेबसाइट पर हम लोग हैं, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको दिखेगा कि हाल के दिनों में इसमें एक बोर्ड मीटिंग हुआ था 12 मार्च को, और उसमें राइट इशू के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जानकारी दी कि इसका राइट इशू ओपन होने जा रहा है, जिसके रिकॉर्ड डेट रखा गया है 16 मार्च को। अब ध्यान दीजिएगा, 16 मार्च के पहले तक आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 16 मार्च को बाई करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप 14 मार्च तक कम से कम इस कंपनी के, अब तो 14 मार्च तो खैर खत्म हो गया, पहले से जिसके पास शेयर्स होगा वही व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा डेट रखा गया 16 मार्च को। तो यहाँ पर हम लोग हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो राइट इशू ओपन होने जा रहा है 2024 में, इसका डिटेल्स लेने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो इशू ओपन होने जा रहा है वो होने जा रहा है 26 मार्च के दिन से, यानी कि 16 मार्च को रिकॉर्ड डेट है, 16 मार्च तक आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो 26 मार्च के सुबह सुबह आपके डीमेट अकाउंट में जो आ रही शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। और इसका जो लास्ट डेट रखा गया इशू जो क्लोज होगा वो होगा 25 अप्रैल के दिन, यानी कि 5 अप्रैल के दिन, 5 अप्रैल के पहले तक आपको इसमें अप्लाई करना होगा। नहीं अप्लाई करेंगे तो जो आरी शेयर्स आपको मिलेंगे, आपको पता होगा कि यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको आरी शेयर्स, इसके लिए जो रेशियो रखा गया है 1:9 का रखा गया, यानी कि आपके पास 9 शेयर्स हैं कंपनी के, तो हर 9 शेयर पर एक आरी शेयर्स यानी कि राइट इशू वाले शेयर्स आपको ऑलरेडी मिलेगा जब ये इशू ओपन होगा 26 मार्च को, तो उसको आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करेंगे तब पूर्ण रूप से ये जो आरी शेयर्स आपको मिलेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वरना जब इशू क्लोज होगा 5 अप्रैल को तो ये जो आरी शेयर्स आपको मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा शेयर्स, वो आपके डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और उसका रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं उसका उपाय बताऊंगा आपको आगे। पहले ये समझिए कि इशू जो ओपन होने जा रहा है उसके लिए कंपनी इतने करोड़ शेयर्स, तकरीबन 16.5 करोड़ के आसपास शेयर्स मार्केट में नया शेयर्स इशू करेगी, और उससे कंपनी तकरीबन 350 करोड़ रुपया फंड रेज करेगी। राइट इशू लाया ही इसलिए जाता है ताकि कंपनियों को जो पैसों की जरूरत होती है तो उस पैसों को एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में बेच के कंपनी उस पैसों को जुटा सके, और तकरीबन 350 करोड़ रुपया कंपनी इस राइट इशू के जरिए जुटाएगी। अब ध्यान से समझिए, ये जो आरी शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ये मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे बेचा जाता है, तो इसके लिए जो कंपनी ने प्राइस निर्धारित किया है 21 रुपये किया है, और अभी देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस 21 रुपये से बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कंपनी ऑफर कर रही है कि जो आरी शेयर्स आपको मिलेगा जितने के लिए आप एलिजिबल होंगे उसमें अप्लाई कर सके। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया 5 अप्रैल, 5 अप्रैल तक आपको इसमें अप्लाई करना होगा। इसकी जो लिस्टिंग होगी एनएससी बीएससी पर दोनों पर होगी, क्योंकि जो एससीसी कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। अब ध्यान से समझिए, आपको यदि अप्लाई नहीं करना है तो आप क्या कीजिएगा कि 5 अप्रैल के पहले तक जो आरी शेयर्स आपको मिलेंगे उसको बेच दीजिएगा। बेच देंगे तो कुछ रुपए आपको मिल जाएंगे, नहीं बेचेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट से जीरो हो जाएंगे। इसलिए यदि आपको अप्लाई नहीं करना है तो ज़रूर सेल कर दीजिएगा, और अप्लाई करना है तो 5 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, 5 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। अब सबसे मेन बात करते हैं कि एससीसी कंपनी के राइट इशू में हमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है सबसे पहले आरटीए के थ्रू, आरटीए हो गया ऑफलाइन प्रोसेस, रजिस्ट्रार के थ्रू, कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके वेबसाइट, उनके मेल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और ये रजिस्ट्रार आपको बीएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, इनका जो फ़ोन नंबर होता है, जो वेबसाइट होता है, जो ईमेल होता है। दूसरा होता है आपको नेट बैंकिंग के थ्रू। नेट बैंकिंग क्या होता है कि जब कोई भी मान लीजिए आप एप्लीकेशन बैंक यूज करते हैं, जैसे एसबीआई, तो एसबीआई का एक योनो एप्लीकेशन आता है, योनो का नाम आपने सुना होगा। एचडीएफसी यूज करते हैं तो एचडीएफसी का अपना एप्लीकेशन आता है, और उसमें यदि आपने लॉग इन किया तो आपके नेट बैंकिंग हो गया, और नेट बैंकिंग के थ्रू जब जो भी व्यक्ति नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो एक उसमें ऑप्शन आता है आसबा का, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट, ये एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है आईपीओ और आईटी इशू में अप्लाई करने का। तो नेट बैंकिंग यदि आप यूज़ करते हैं तो इस आसबा के थ्रू आप इजिली, उसमें ऑप्शन आ जाता है आईपीओ और आईटी इशू का, और जो भी राइट इशू ओपन होता है वहाँ दिख जाता है, और उसमें या फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल, कोई कंफ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।